नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। ऐसा कई बार हुआ है कि समय समय पर वकीलों ने हड़ताल करी हो अलग अलग कारणों की वजह से, मगर हाल ही में काफी इंटरेस्टिंग मामले में ये सुनने में आया कि उड़ीसा के वकीलों ने हड़ताल करी है और उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन वकीलों को चुनौती देते हुए ये कहा कि या तो स्ट्राइक को बंद करके काम दोबारा शुरू कर दिया जाए या फिर कॉन्सिक्वेंसेज यानी नतीजों को झेला जाए, जहां उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है या फिर उनको अदालत की अवहेलना करने का दोषी करार भी दिया जा सकता है। और यहां से आता है ये सवाल कि क्या वकीलों के पास स्ट्राइक करने का यानी हड़ताल करने का अधिकार है या नहीं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वकीलों के पास हड़ताल करने का अधिकार है या नहीं, ये कोई आज का सवाल नहीं है। इस पर विवाद 1988 में ही शुरू हो गया था, जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था रोल ऑफ लीगल प्रोफेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि क्या भूमिका है लीगल प्रोफेशन की न्याय दिलाने में। इस रिपोर्ट में देखा गया कि एक तरफ तो वकील पूरी स्पष्टता के साथ एकदम एग्रेसिव होकर इस अधिकार की मांग करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जजेस और संगठनों को लगता है कि वकीलों के पास हड़ताल करने का अधिकार बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अब न्यायिक हड़ताल करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि न्यायिक अधिकारियों के बर्ताव या रवैये से परेशान होना, भ्रष्टाचार, वकीलों और जांच करने वाले प्राधिकरण यानी इन्वेस्टिंग अथॉरिटीज और वकीलों के बीच में झगड़ा या तनाव होना, किसी जगह पर हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग करना या अन्य कई कारण भी हो सकते हैं। लेकिन हड़ताल के खिलाफ ये तर्क दिए जाते हैं कि न्याय की मांग करने वालों के जल्दी से जल्दी न्याय प्रक्रिया खत्म होकर इंसाफ मिलने का अधिकार यानी राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है उसका उल्लंघन होता है हड़ताल से, यानी उनका राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है उसका नुकसान होता है। वकीलों के पास कोई अधिकार नहीं कि वो किसी और वकील को उनका कर्तव्य पूरा करने से रोकें या फिर किसी लॉयर एसोसिएशन या संगठन के साथ मिलकर भी अगर वो हड़ताल करते हैं तो वो भी गलत होगा। अगर हम केस लॉस की बात करें और इस मुद्दे से जुड़े मामलों पर गौर करें तो कृष्णकांत तमराकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि वकीलों की हर एक हड़ताल न्यायिक व्यवस्था को ठीक ना होने वाला नुकसान पहुंचाती है और सबसे ज्यादा नुकसान होता है लिटिगेंट्स का, न्याय की गुहार लगाने आए हुए लोगों का। हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीडी ट्रायल यानी जल्दी से जल्दी मामला खत्म करके न्याय मिलना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल अधिकार है। और वकीलों के द्वारा करी गई हड़ताल ना सिर्फ अदालत का कीमती समय बर्बाद करती है बल्कि टैक्स पेयर्स मनी यानी करदाताओं का पैसा भी बर्बाद करती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है इस मुद्दे पर और उसका नाम है बीएल वधेरा वर्सेस स्टेट, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि वकीलों के पास कोई अधिकार नहीं है हड़ताल करने का और उनकी हड़ताल अवैध यानी अनैतिक भी है। अगर कोई वकील किसी हड़ताल की वजह से अदालत में उपस्थित नहीं होता जिसमें वो एक व्यक्ति का मुवक्किल है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, भरोसे का उल्लंघन माना जाएगा और साथ ही उसके पेशे में जो उसका कर्तव्य है उसका भी उल्लंघन माना जाएगा। और अगर कोई किसी वकील को हड़ताल के चलते उसका कर्तव्य पूरा करने से रोकता है या उसके मामले में उपस्थित होने से रोकता है तो उसको एक आपराधिक यानी दोषी करार दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति अदालत की अवमानना कर रहा है और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप यानी इंटरफेयर कर रहा है। एक और मामला है जिसको यहां देखना जरूरी है, इसे कहानी की तरह सुनने की कोशिश करते हैं। हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला था ये एक पूर्व आर्मी ऑफिसर का मामला था। इनकी पोस्टिंग बांग्लादेश में आई थी और वहां पर उन पर गबन के संबंध में आरोप लगाए गए। इसके बाद उनको भारत में आर्मी की अदालत में लाया गया और उनके पद और उपाधि से उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। इसके साथ उन्हें 2 साल की सजा भी दी गई। इसके बाद उन्होंने मामले की समीक्षा के लिए एक सिविल कोर्ट में एक पूर्व पुष्टि आवेदन दायर किया, लेकिन उन्हें 11 साल बाद अदालत से जवाब मिला जब समीक्षा की सीमा की अवधि समाप्त हो चुकी थी यानी जो लिमिटेशन पीरियड था वो खत्म हो चुका था। और बाद में ये पता चला कि एक हिंसक हड़ताल के दौरान उनके दस्तावेज गुम हो गए थे, इसलिए देरी हुई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने वकीलों के द्वारा जो हड़ताल होती है उनको अवैध यानी गलत घोषित करने के लिए एक याचिका दायर करी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वकीलों के द्वारा करी गई हड़ताल अवैध है, गैरकानूनी है। हड़ताल की अनुमति दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही दी जा सकती है जहां पर बार की अखंडता, सम्मान और कामकाज दांव पे होंगे।
हाँ, एक साइलेंट डिससेटिस्फेक्शन यानी मूक असंतोष दिखाया जा सकता है, यहाँ तक कि मीडिया में इंटरव्यूज भी दिए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि अदालत का कार्य जो है वो भंग ना हो, उसकी जो छवि है वो भंग ना हो। एडवोकेट एक्ट की धारा 35 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक वकील के खिलाफ एक अनुशासनात्मक समिति बनाने की शक्ति देती है, अगर उनके पास ये मानने का कारण है कि वकील पेशेवरीय न्याय कदाचार का दोषी था। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। वकील अपनी असहमति या डिससेटिस्फेक्शन दिखाने के लिए कई और तरीके अपना सकते हैं, एक ब्लैक बैंड या व्हाइट बैंड लगा सकते हैं। इन सारे मामलों से सिर्फ ये पता चलता है कि अगर वकील किसी के मुवक्किल हैं तो वो उसके मामले में उपस्थित ना होकर या किसी और वकील को काम करने से रोक कर गलत करेंगे और इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी अपना डिससेटिस्फेक्शन यानी असहमति दिखाने की उन्हें पूरी की पूरी अनुमति है, उनका ये पूरा अधिकार है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।